हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लूसेंट का अगला पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। ये लूसेंट का 32वां भाग है। इसके पहले हम इसके 31 भाग कर चुके हैं और बहुत आसान तरीके से हम इसमें लूसेंट पढ़ेंगे। और कल से मैं करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट कर रही हूँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। सरल तरीके से हम करंट पढ़ेंगे, जिस तरीके से हम लूसेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे प्रीलिम्स परीक्षा के नोट्स हैं, इनकी बुकिंग आरंभ हो चुकी है और ये 12 बुकलेट आपको मिलेंगी, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक मिलेगी। साथ में आपको एक प्रैक्टिस सेट और एक करंट अफेयर्स की फ़ाइल आपको मिलेगी। तो आप ये अपनी MPPSC प्रीलिम्स अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इनको ले सकते हैं। 862 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे और आज हम 863 क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा। समुद्रगुप्त को राजगद्दी पर कब बैठा था, तो समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा था 335 ईस्वी में। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर 335 ईस्वी में बैठा था। समुद्रगुप्त की मुख्य उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, तो समुद्रगुप्त की मुख्य उपलब्धियां हैं कि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त की मुख्य उपलब्धि क्या है, किसने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कौन है या भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो जिस तरह से नेपोलियन ने समूचे देश पर, उसका समूचा जो नेपोलियन का देश था, जो फ्रांस की क्रांति में, आपने इसका नाम सुना होगा पिछली बार अगर आपने मेंस दिया है, तो जिस तरीके से उसने पूरे देश को अपने अधिकार में कर लिया था, उसी तरह समुद्रगुप्त ने भी कर लिया था भारत को, इसलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेण था और हरिशेण ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिशेण था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। अश्वमेधकर्ता की उपाधि किस गुप्त शासक ने ली, तो अश्वमेधकर्ता का मतलब होता है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके बाद उसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी ली, तो वो कौन ने ली, समुद्रगुप्त ने ली। समुद्रगुप्त कौन सा यंत्र बजाता था, समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। और जो गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं उस पर समुद्रगुप्त वीणा बजाता हुआ चित्र उसका दिखाई भी देता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमंक की उपाधि किसने धारण की, विक्रमंक की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की। विक्रमंक की उपाधि किसने धारण की, समुद्रगुप्त ने। कविराज किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया। चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब बैठा, चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा था 380 ईस्वी में। मतलब समुद्रगुप्त 335 ईस्वी तक रहा, 335 ईस्वी से रहा था, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया था 380 में। फायन किसके समय भारत आया था, फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, ये तो हमने सुना है कि ये भी ध्यान रखिएगा कि चांदी के सिक्के किस गुप्त शासक ने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। और जब भी कोई चीज़ कोई स्टार्ट करता है तो किसी उपलक्ष्य में करता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जो चलाए थे वो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। क्यों चलाए थे, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। इसका समय 415 से 454। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। फिर ये गुप्त वंश का कुछ एक सिनॉप्सिस है कि गुप्त वंश में सबसे पहले श्रीगुप्त आए, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त, फिर स्कंदगुप्त और लास्ट में विष्णुगुप्त। अगला है, कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन था, स्कंदगुप्त था। 455 से 467 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया, स्कंदगुप्त ने किया, गिरनार पर्वत पर। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसको बनाया, पर्णदत्त को बनाया। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसको बनाया, पर्णदत्त को बनाया था। हूणों का आक्रमण कब शुरू हुआ, स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक कौन था, अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी है, देश। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी है, देश। देश का शासक क्या कहलाता था, गोपना। देश का शासक क्या कहलाता था, गोपना कहलाता था। इसके बाद होते थे भुक्ति। भुक्ति का शासक क्या कहलाता था,
भुक्ति का साथ साथ उपरेक कहलाता था। भुक्ति का क्या कहलाता था? उपरेक। भुक्ति के नीचे की इकाई क्या होती थी? भुक्ति के नीचे की कोई विषय होती थी। और आपसे पूछे विषय का प्रमुख कौन होता था, तो विषय का प्रमुख विषयपति होता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपासिक कहलाता था। पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी कहलाते थे वो क्या कहलाते थे? तो पुलिस विभाग का अधिकारी दंडपासिक कहलाता था, और पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी थे वो चार्ट और भाट कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? गुप्तों में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। कौन सी थी गुप्तों में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई? ग्राम थी। और ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा का मुखिया कहलाता था ग्रामिक। ग्राम सभा का जो मुखिया होता था जिसके द्वारा सब काम होते थे वो क्या कहलाता था? ग्रामिक। ग्राम सभा का जो मुखिया होता था वो ग्रामिक कहलाता था। और ग्राम सभा में जो अन्य सदस्य होते थे वो क्या कहलाते थे? उनको महत्तर बोलते थे। ग्राम सभा के अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महत्तर। ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई पेट कहलाती थी। ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाती थी? पेट कहलाती थी। और ग्राम सभा के अन्य सदस्य जो थे वो महत्तर कहलाते थे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 894 क्वेश्चन। आप बोलेंगे थोड़ा लंबा वीडियो बनाया कीजिए, तो ये मेरा लुसेंट का जो वीडियोस है, लुसेंट का जो कोर्स है, अगर उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं वीडियो अच्छे बनाऊंगी, तो आप लोग शेयर, वीडियो लंबे बनाऊंगी, तो आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।